Assalamualaikum everyone, welcome back to Verisha ki duniya. I hope you all are doing well. So finally I'm here and now this vlog is 3 August. So आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की रूटीन में सब कुछ ही शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं जैसे कि मैं इस टाइम डाइट पर चल रही हूँ, मैं इधर कुछ भी नहीं कर रही. हाँ, इधर जब मैं रिसेंटली मतलब मैंने ब्लॉग डाला या नहीं डाला, मैं मॉल गई थी, वहाँ से मैं थोड़ा बहुत मैगी का सामान वगैरह लेके आई थी. तो एक दिन मैंने बस मैगी की चीट करा था, संडे था वो भी. फिर उसके बाद प्रॉपर मैं डाइट पर लग गई और उसके एक हफ्ते बाद मुझे ये मतलब मुझे भी ये फील हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा वेट लूज हुआ है. 2 kg मतलब मैंने जब अपना वेट किया था तब मेरा था 64, अभी 62 है. तो मैंने कहा जो मैंने स्पेशल चीज़ अप्लाई करी अपनी रोटी में, मैं ज़्यादा डाइट वगैरह नहीं कर पाती हूँ, मैं खाना नॉर्मल खाती हूँ. जैसे मेरा खाना इतना होता ही नहीं है, बाहर का सा ज़्यादा होता था, तो बाहर का बहुत ही रेयर कर दिया. अगर संडे में हो रहा है तो हो रहा है, वरना संडे को भी बंद कर दिया है. और खाती भी हूँ तो थोड़ा सा उतनी ही डाइट वाला रूटीन ले रही हूँ, तो वो खा रही हूँ. और बाकी स्नैक्स वगैरह बिल्कुल सब बंद कर दिया है. और उठने की टाइमिंग मेरी मॉर्निंग रहती नहीं है, मैं डायरेक्ट नमाज के वक्त उठती हूँ, नमाज पढ़ी उसके बाद थोड़ा सा खाना खाने में मैं रोटी खा रही हूँ. और अगर कभी कदा क्रेविंग हुई तो मैं ब्राउन राइस ले लेती हूँ, बाकी उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती. एंड देन मैंने एक कहवा देखा था जो अनुष्का शर्मा बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती. काफ़ी सारे एक्टर्स मैंने देखा है कि अब की बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये ढूंढा, तो मैंने कहा ये पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर मैं कोई भी चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने ऊपर पहले पर्सनली अप्लाई करती हूँ, फिर वो चीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो मैंने वो देखा एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले तो मेरा पहले दिन पे तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि हाँ नहीं सही है नहीं सही, फिर एक हफ्ते के बाद मुझे उसका बेनिफिट दिखा. हाँ, थोड़ा सा वेट मेरा लूज़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारे कपड़े लूज़ हो गए हैं, थोड़े थोड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ मैं. तो अभी चलिए मैं आपको किचन में चलते हैं, फिर मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. मैंने ये एंडी की क्लिप्स पहले ऐड कर दिए ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो कहवा बनाने में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं. तो मैंने इसमें 1 cup वाटर ले लिया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो. जैसे ज़्यादा लोगों को आपको देना है तो आप अपना 2 cup भी, और जो भी मैंने इसमें डालने का वो था तो मैंने जिंजर ले लिया, अदरक एक अदरक के एक टुकड़े में से हाफ़ कर दिया है, मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, और हाफ लेमन जो मैं लास्ट में डालूंगी इसको, और इधर काली मिर्च 2 से 3 दाने ले लिए हैं, अजवाइन का 1/2 teaspoon ले लिया है, इलायची मैंने 3 ले लिया है, और मैंने चाय की पत्ती ली है. अगर आपके पास ग्रीन टी है तो आप वो ले सकते हैं, और दालचीनी की लकड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1/2 teaspoon सौंफ मैंने लिया है. तो चलिए ये सब मिक्स करना है एंड वाटर में डाल देते हैं, उसको थोड़ी देर हाफ फ्लेम पे मतलब लो फ्लेम पे रखना है जब तक मैं ये थोड़ा सा रेडनेस इसमें आ नहीं जाए. जैसे चाय का रहता है वैसे ही होगा सेम प्रोसेस. तो इसका पहले हम लोग लो फ्लेम कर देंगे. अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है तो आप ग्रीन टी ही यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी ग्रीन टी, तो मैंने चाय की पत्ती डाल दी. ग्रीन टी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और ग्रीन टी मीडियम ही क्वांटिटी में ले, ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, 1/2 teaspoon आप लेंगे उतना हो जाएगा. तो ये अभी हो रहा है, इस तरह का कलर आने लगेगा 5 मिनट्स के अंदर ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको. आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अपना रूटीन कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद आप ये बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा खैर टाइम नहीं लगता. और ये ज़्यादा ही डार्क कलर आता चला जा रहा है जैसे चाय की पत्ती में आता है. तो ये हो गया है, ये बस इसको डायरेक्ट इसमें लेमन डालना है. बहुत ही इजी सा स्टेप है, आप लोग अपनी डेली रोटी में एक बार ले आएँ तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा. मेरे स्टार्टिंग में एक दो बार भूल गए, लेकिन फिर रोटी में लिया है, और मैंने हाफ़ लिया है लेमन. आप हाफ का भी हाफ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो. और जो इसका लास्ट का जो भी निकलेगा एंड का पार्ट वो मैं रख देती हूँ, वो मैं शाम में यूज़ कर देती हूँ, बार बार चेंज नहीं करती. दिन आप लोगों ने देख लिया रेसिपी मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शूट करी थी कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया. तो आज मैंने ये व्लॉग मैंने सोचा कि आज अपलोड ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी एक व्लॉग और इसके बैक टू बैक जाएगा, शायद वो थोड़ा सा डिले हो जाए, ना भी डिले हो सकता, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत सामान अभी इंटीरियर वगैरह का लगवा रही हूँ मैं, तो उसका भी व्लॉग जाना है, मैंने जो भी शॉपिंग करी है. और आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करिएगा और बताइएगा. 1 week में आप लोगों को भी कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा,
छोटू सा दिखेगा लेकिन दिखेगा क्या, और ज़्यादा मेहनत नहीं है, इजीली हो जा रहा है कुछ, आपको प्रोटीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग वेट गेन करने का ले रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा बहुत अगर घर में ही आप यूज़ करें, बहुत सारे रिसर्च के बाद आप घर में भी अगर अपना यूज़ कर रहे हो घरेलू नुस्खे तो वैसे भी फ़ायदेमंद होते हैं। मम्मी लोगों का कहना है, ये कहना क्या, ये प्रूफ है, तो आप लोग भी अप्लाई कीजिए अपने अपने ऊपर। और देखते हैं जिसका वेट लूज होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इसी तरह नई अमेजिंग वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, सॉरी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं बोल जाती हूँ, अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलूँ ताकि हाँ बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ नहीं जाती है, बहुत से लोगों को मैं बहुत लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, बहुत से लोगों को मेरी वॉइस ही नहीं पसंद है, वो बात अलग है, खैर मुझे अपनी वॉइस पसंद है। और तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप लोग यूज़ करिएगा तो प्लीज़ बताइएगा। सो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी मैंने नहीं करी, मैं आजकल ट्राई करती हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो में डालूँ उतने ज़्यादा लोग देखेंगे। और प्लीज़ प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।